नमस्कार केके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की क्राइम ब्रांच और पाडुताल थाना पुलिस की टीम ने ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4,72,120 रुपए और 11 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रीना पांडे ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि करमेता इलाके में किराए के मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा है, जहां क्राइम ब्रांच और पाडुताल थाना पुलिस की टीम ने जब मौके पर जाकर दबिश दी तो वहां नितिन उर्फ बाबू रजवानी और उसके साथी ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। वही पुलिस को देखकर 4 युवक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वही नितिन रजवानी ने पूरे मामले में पूछताछ में बताया कि वे ऑनलाइन सट्टे की लिंक कटनी और रीवा से लेता था, ऑनलाइन सट्टा लगवाता था। वही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4,72,120 रुपए और 11 मोबाइल फोन समेत एक कार भी जब्त की है। वहीं पुलिस आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों का पता पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है। जल्द ही मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये एक्चुअली में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेशित किया गया था कि दोनों टीम बना के ये रेड कार्रवाई करें। तो करमेता में है एक व्यक्ति, यहाँ पे ये नितिन उर्फ बाबू राजवानी, ये यहाँ पे भी 3 महीने पहले किराए से रहने आया। ये पहले पंचशील नगर में रहता था। इसके द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। जब संबंधित स्थान में क्राइम ब्रांच और पाडुताल पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहाँ पे 5 व्यक्ति मिले। ये 5 व्यक्ति थे पंकज कुमार कुकरेजा, जो कि लालमाटी का रहने वाला है, और श्याम चेतवानी, ये झामनदास का है, और एक सूर्या मिला और राहुल मोटवानी। इनके द्वारा ये 777 एक्सचेंज वेबसाइट और कई सारी साइट्स हैं, उनके आधार पे इनके मोबाइल पे सट्टा संचालित किया जा रहा था और तत्समय कलेक्शन किया जा रहा था। इनसे प्रॉपर पूछताछ की गई तो इनने बताया कि जो ऑनलाइन सट्टा है कोई कारू निवासी है ये रीवा का, जो कि सिर्फ ये नहीं जानते हैं, इसके अलावा गट्टू है कटनी का, राहुल साहू है जबलपुर का, और पवन, इनके द्वारा इनको ऑनलाइन लाइन दी जाती है और बाकी जो 4 व्यक्ति हैं वो कलेक्शन करते हैं। तो ये कलेक्शन वगैरह कर रहे थे तो इनसे सभी चीज़ें जब्त हुई हैं तत्काल। उस समय पे वेबसाइट खोल के ये प्रॉपर कलेक्शन कर रहे थे, रुपए पैसे से वो कर रहे थे। तो इनके पास से कुल 4,72,120 रुपये मिला है और इसके अलावा 11 मोबाइल मिले हैं, और ये हुंडई वेन्यू कार है, उसमें ये चारों जाके डोर टू डोर कलेक्शन करते थे MP20C के 4777 इससे। तो इनको सभी को सीज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पहले भी कभी पकड़े जा चुके हैं क्या कोई तरह के रिकॉर्ड? इनका तो अभी कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अभी जैसे मैंने ये जो नितिन उर्फ बाबू राजवानी है इसका रिकॉर्ड दिखाया, तो फिलहाल तो अभी कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है और देखा जा रहा है किससे क्या कनेक्शन है, इसके संबंध में विवेचना की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।